हाय एंड वेलकम बैक टू फर्स्ट पॉड यूट्यूब चैनल। सिस्टम मेंटेनेंस की सीरीज में आज हम लोग देखेंगे पोर्ट्स के बारे में। हमारे सिस्टम में जो डिफरेंट तरह के पोर्ट्स लगे हुए रहते हैं, जिसके माध्यम से हम लोग एक्सटर्नल डिवाइसेस को अपने सिस्टम से कनेक्ट करवाते हैं, वो क्या होते हैं और डिफरेंट तरह के पोर्ट्स के बारे में हम लोग देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं आखिर पोर्ट होता क्या है और उसका डेफिनेशन क्या है। ए पोर्ट इज बेसिकली अ फिजिकल डॉकिंग पॉइंट विच इज बेसिकली यूज्ड टू कनेक्ट द एक्सटर्नल डिवाइसेस टू द कंप्यूटर। एक पोर्ट बेसिकली क्या होता है, एक फिजिकल डॉकिंग पॉइंट होता है जिसका यूज किया जाता है एक्सटर्नल डिवाइसेस को कनेक्ट करवाने के लिए। और वी कैन से डैट ए पोर्ट एक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन द कंप्यूटर एंड द एक्सटर्नल डिवाइसेस। एक पोर्ट क्या करता है, एक इंटरफेस, एक माध्यम का काम करता है एक्सटर्नल डिवाइसेस और पीसी दोनों को कनेक्ट करवाने के लिए। We can connect hard drives, printers to the computer with the help of ports. हम लोग hard drives को, printers को और भी additional devices को, external devices को क्या कर सकते हैं, इसमें connect करवाने के लिए use कर सकते हैं ports का। तो features of computer ports. We can connect external devices to the computer with the help of ports and cables. हम लोग क्या कर सकते हैं, external devices को connect करवा सकते हैं ports के मदद से। These are basically slots on motherboard where we connect external devices or we can plug in external devices through cables. ये क्या होते हैं, basically एक slots की तरह होते हैं motherboard में, जिसमें हम लोग external devices को plug कर सकते हैं। जैसे आजकल हमारा जो keyboard आ रहा है, mouse आ रहा है, उसमें क्या होता है, USB port के माध्यम से हम लोग उसको connect करवाते हैं। Mouse, keyboards, printers, speakers are some examples of external devices that connected to the computer through ports. इन सभी को हम लोग क्या कर सकते हैं, पोर्ट के माध्यम से कनेक्ट करवा सकते हैं अपने कंप्यूटर में। तो आइए हम लोग देख लेते हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर पोर्ट्स, कितने तरह के मेन जो पोर्ट्स हैं हमारे सिस्टम में वो होते हैं। तो मेन है हमारा सीरियल पोर्ट एंड पैरेलल पोर्ट, देन है PS2 पोर्ट, USB पोर्ट और VGA पोर्ट। तो ये सारे पोर्ट क्या होते हैं, इन सभी के बारे में एक एक करके हम लोग जान लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा सीरियल पोर्ट। ए सीरियल पोर्ट इज बेसिकली अ सीरियल कम्युनिकेशन इंटरफेस थ्रू विच इंफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्म्स वन बिट एट अ टाइम। सीरियल पोर्ट क्या है, बेसिकली एक सीरियल कम्युनिकेशन का माध्यम है। सीरियल कम्युनिकेशन मतलब क्या कि एक एक बिट करके डेटा ट्रांसफर होता है। अगर आप कंप्यूटर नेटवर्किंग पढ़े होंगे, उसमें सीरियल ट्रांसमिशन और पैरेलल ट्रांसमिशन का एक कॉन्सेप्ट है, वही कॉन्सेप्ट यहाँ सीरियल पोर्ट पे लागू होता है। डेट इज सीरियल पोर्ट में सीरियल ट्रांसमिशन होता है एक बिट एट अ टाइम। ओके, इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट टाइप ऑफ इंटरफेसेस। सीरियल पोर्ट क्या है, ओल्डेस्ट टाइप ऑफ इंटरफेस है। दीज आर बेसिकली यूज फॉर एक्सटर्नल मोडम्स। जो सीरियल पोर्ट है इसका यूज किया जाता है मैक्सिमम जगह एक्सटर्नल मोडम को कनेक्ट करने के लिए पीसी में। दीज आर बेसिकली अवेलेबल इन टू वर्जन्स, ये टू वर्जन्स में अवेलेबल हुए मार्केट में। दीज आर 9 pins एंड 25 pins मॉडल्स, 9 pins और 25 pins मॉडल। यहाँ एक पिक्चर दिया हुआ है, डेट इज ये सीरियल पोर्ट है। हम लोग अगर इसके पिंस को यहाँ पे देखिए, देखें तो 1, 2, 3, 4, 5 and 4, यहाँ पे ये क्या है, 9 pin का जो मॉडल है वो यहाँ पे दिया हुआ है। डेटा ट्रेवल्स एट ए स्पीड ऑफ 115 kbps। ये पॉइंट आपको बिल्कुल याद रखना है, MCQ में ये पॉइंट पूछा जा सकता है आपसे कि जो सीरियल पोर्ट है उसका डेटा ट्रांसफर रेट, डेटा ट्रेवल जो उसमें करता है वो कितने स्पीड से करता है। चार ऑप्शन दे दिया जाएगा आपको, तो आपको याद रखना है 115 kbps, डेट इज KBPS पर सेकेंड, है ना, 115 kbps सीरियल पोर्ट में डेटा ट्रेवल करता है। आगे हम लोग देखते हैं पैरेलल पोर्ट। ए पैरेलल पोर्ट इज बेसिकली अ पैरेलल कम्युनिकेशन। यहाँ पे डेटा कैसे ट्रैवल करता है, कैसे ट्रांसफर करता है, पैरेलली करता है, मींस मल्टीपल बिट्स एट अ टाइम, थ्रू विच इंफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्म मल्टीपल बिट्स एट अ टाइम। यस, दीज आर बेसिकली यूज टू कनेक्ट पेरीफेरल्स सच एज स्कैनर्स और प्रिंटर्स। पेरीफेरल डिवाइसेस जो होते हैं, जैसे स्कैनर्स हो गया, प्रिंटर्स हो गया, इन सभी को कनेक्ट करने के लिए पैरेलल पोर्ट का यूज किया जाता है। दीज आर ऑल्सो नोन एज प्रिंटर पोर्ट, इसीलिए पैरेलल पोर्ट को क्या बोला जाता है, प्रिंटर पोर्ट भी बोला जाता है कभी कभी। दीज आर अवेलेबल इन अ 25 pin मॉडल। ये किस मॉडल में अवेलेबल है, 25 pin, यहाँ नीचे एक पोर्ट दिया हुआ है
पोर्ट का फिगर, ये पैरेलल पोर्ट है। अगर आप इसके पोर्ट को गिने तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 एंड 12, दैट इज 25 टोटल पोर्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं। पैरेलल पोर्ट का ये एक फिगर है। डेटा ट्रेवल्स एट ए स्पीड ऑफ 150 किलोबिट्स पर सेकेंड, ये भी आपको VVI याद रखना है कि इसमें जो डेटा ट्रेवल करता है वो 150 किलोबिट्स पर सेकेंड करता है। सीरियल में क्या था, 115 किलोबिट्स पर सेकेंड, है ना, देखिए आप लोग 115 किलोबिट्स पर सेकेंड और इसमें क्या है 150 किलोबिट्स पर सेकेंड। चलिए उसके बाद हमारा आता है PH2 पोर्ट। PH2 पोर्ट क्या होता है, ये बहुत पुराना पोर्ट है जो कि अगर आपके पास पहले का सिस्टम होगा या CPU होगा तो उसमें आपको देखेंगे, या पुराना जो कीबोर्ड आता था पीला रंग का, है ना, जो कहीं कहीं आपको रेलवे स्टेशन पे देखने को मिल जाएगा, उसके लिए एक अलग पोर्ट आता था कनेक्ट करने के लिए, डेट इज PH2 पोर्ट। ओके, तो दीज आर बेसिकली 6-पिन मिनी डिन कनेक्टर यूज्ड टू कनेक्ट कीबोर्ड माइस टू ए PC कंपैटिबल कंप्यूटर्स। जो उस समय के कंपैटिबल कंप्यूटर्स थे उसमें कीबोर्ड और माउस को कनेक्ट करने के लिए इसका यूज किया जाता था। दीज आर बेसिकली यूज्ड बाय ओल्ड कंप्यूटर्स फॉर कनेक्टिंग माउस और कीबोर्ड। दीज आर कॉल्ड माउस पोर्ट, इन्हें हाँ माउस पोर्ट भी हम लोग बोलते हैं या कीबोर्ड पोर्ट भी हम लोग बोलते हैं। दीज पोर्ट्स आर स्टिल फेवर्ड इन ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी रीजन। सिक्योरिटी रीजन के लिए इन जो ये जो पोर्ट्स हैं इनका यूज अभी भी ऑर्गेनाइजेशन में किया जाता है। दीज पोर्ट्स प्रोवाइड्स नो रिस्ट्रिक्शन ऑन की रोल ओवर। ये जो है PH2 पोर्ट का मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और मेन फीचर है जिसके कारण ऑर्गेनाइजेशन में और जो क्या होता है गेमिंग के पर्पस में और जहाँ पे फास्ट टाइपिंग हो रहा है वहाँ पे बहुत ज़्यादा इसका यूज किया जाता है। क्यों, ये क्या करता है, PH2 पोर्ट, जब हम PH2 पोर्ट के माध्यम से कीबोर्ड को कनेक्ट करते हैं तो ये नो रिस्ट्रिक्शन, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है की रोल ओवर पे। अब की रोल ओवर क्या होता है, यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, आप एट अ टाइम कितने की को प्रेस कर सकते हैं कीबोर्ड में। अब ये आपको सुनने में कुछ अजीब सा लग रहा होगा, अगर आपके पास लैपटॉप है कीबोर्ड है तो आप क्या कीजिए, वर्ड खोलिए, नोटपैड खोलिए और एक बार में क्या कीजिए, एक की को प्रेस कीजिए, तो क्या होगा, आप सामने स्क्रीन पर देखेंगे कि वो की आपका डिस्प्ले हो रहा है। देन अगेन आप एट अ टाइम 2 की प्रेस कीजिए तो आप देखेंगे हो रहा है या नहीं भी हो रहा है, फिर 3 कीजिए, फिर 4 कीजिए, आप धीरे धीरे पाएंगे कि 2 के बाद नहीं हो रहा है, 3 के बाद नहीं हो रहा है, मैक्स 4-5 हो रहा है। तो यहाँ पे क्या है, ये प्रॉब्लम होता है। लेकिन PH2 पोर्ट जो है ये N की रोल ओवर है। N की रोल ओवर का मतलब आप एक साथ चाहें तो 10 की, 20 की, जितने कीबोर्ड में की हैं एक साथ सारे प्रेस करेंगे तो सारा एक बार में वर्क करेगा। ये है PH2 पोर्ट का मेन इंपॉर्टेंट फीचर, इसलिए दीज पोर्ट्स आर स्टिल फेवर्ड इन ऑर्गेनाइजेशन। आगे हमारा यूनिवर्सल सीरियल बस पोर्ट, USB पोर्ट, जो कि 4 नंबर क्वेश्चन में हमेशा पूछा जाता है, इस बार भी पूछा जाएगा। USB पोर्ट क्या होता है, एक्सप्लेन USB पोर्ट। तो USB पोर्ट का जो फुल फॉर्म है वो क्या है, यूनिवर्सल सीरियल बस पोर्ट। इट इज बेसिकली अ स्टैंडर्ड केबल कनेक्शन इंटरफेस बिटवीन कंप्यूटर एंड एक्सटर्नल डिवाइस। ये क्या है, एक स्टैंडर्ड केबल कनेक्शन है, इंटरफेस है, एक माध्यम है कंप्यूटर एक्सटर्नल डिवाइस के बीच में। यहाँ पे देखिए एक फिगर दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं, ये आपके लैपटॉप में आपके सिस्टम में हमेशा आप लोग देखे होंगे, बहुत बार यूज किए होंगे आप लोग USB पोर्ट को। देखिए यहाँ पे फिगर दिखाया हुआ है। USB इज एन इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड फॉर शॉर्ट डिस्टेंस डिजिटल डेटा कम्युनिकेशन। USB क्या है, एक इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड है शॉर्ट डिस्टेंस, यानी कि शॉर्ट डिस्टेंस पर डिजिटल डेटा को ट्रांसफर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, USB पोर्ट का यूज करते हैं। बेसिकली इट कैन कनेक्ट ऑल टाइप्स ऑफ एक्सटर्नल डिवाइसेस टू द कंप्यूटर सच एज माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर, स्पीकर एक्सेट्रा, है ना। हम लोग आजकल देख रहे हैं कि सारा जो एक्सटर्नल डिवाइसेस आ रहा है उसमें USB पोर्ट ही लगा हुआ रहता है। आप कीबोर्ड ले लीजिए, माउस ले लीजिए, आजकल सारे प्रिंटर्स में भी USB पोर्ट आ रहे हैं, स्कैनर्स हो गए और आपके हार्ड डिस्क हो गया, हार्ड डिस्क में भी क्या होता है आजकल USB पोर्ट होता है। तो USB पोर्ट से हम लोग क्या करते हैं, ये यूनिवर्सल पोर्ट है, यूनिवर्सल सीरियल बस पोर्ट। हालांकि ये सीरियल है, इसमें क्या होता है, एट अ टाइम ए बिट ही ट्रांसफर होता है, मल्टीपल बिट्स नहीं होता है।
दीज पोर्ट्स वेर इंट्रोड्यूस्ड इन 1997। इनका जो इन्वेंशन है कब हुआ था इंट्रोड्यूस, 1997, आपको ये याद रखना है। मिनिमम टू पोर्ट्स आर देयर इन एवरी कंप्यूटर सिस्टम, यस मिनिमम आपको दो पोर्ट्स तो मिल ही जाएंगे, आप अपने लैपटॉप ले लीजिए, दो से तीन मिल सकता है आपको। डेटा बेसिकली ट्रेवल्स एट ए स्पीड ऑफ 14 MB/s विच इज मच फास्टर देन सीरियल पोर्ट। यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पे डेटा ट्रांसफर रेट जो है वो बहुत ज्यादा हो गया, डेट इज 14 MB/s, जिसके कारण, और ये तो आपको एक एवरेज दिया जा रहा है, आजकल के जो आ रहे हैं उसमें तो बहुत ज्यादा होता है, तो 14 MB/s होता है ये एक क्या है एवरेज है, और आपको ये क्या करना है याद रखना है 14 MB/s एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्या था सबसे पहले हम लोगों ने देखा था क्या कि जो 150 किलोबिट्स था और 115 किलोबिट्स था, है ना, सीरियल पोर्ट जो है हमारा, सीरियल पोर्ट में डेटा ट्रेवल्स रेट कितना है 115 किलोबिट्स पर सेकेंड। देन हमारा क्या है पैरेलल पोर्ट, पैरेलल पोर्ट में है 150 किलोबिट्स पर सेकेंड। ओके, उसके बाद जो हमारा है वो है यूनिवर्सल सीरियल बस पोर्ट, जिसमें 14 MB/s, जो कि बहुत ज़्यादा फास्ट है सीरियल पोर्ट से। The devices that uses USB port gets power from a USB port. Yes, आप लोग देखेंगे कि जैसे अगर आप कीबोर्ड कनेक्ट करते हैं या माउस कनेक्ट करते हैं USB पोर्ट से, तो आप क्या करते हैं कीबोर्ड में, क्या आप कभी बैटरी लगाए हैं, माउस में बैटरी लगाए हैं, नहीं, तो उसको जो इलेक्ट्रिक पावर है, इलेक्ट्रिक पावर कहाँ से मिलता है, तो आप जब USB पोर्ट कनेक्ट करते हैं जिस डिवाइस से, तो उस डिवाइस से क्या करता है वो पावर लेता है। आप लैपटॉप से जब कनेक्ट करते हैं, अपने सिस्टम से कनेक्ट करते हैं कीबोर्ड को, तो कीबोर्ड में देखिएगा जो लाइट चलता है इंडिकेटर, वो पावर कहाँ से ले रहा होता है, आपके सिस्टम से ले रहा होता है। तो द डिवाइस दैट यूजेज यूएसबी पोर्ट गेट्स पावर फ्रॉम अ यूएसबी पोर्ट। आगे हमारा VGA पोर्ट। VGA कनेक्टर स्टैंड्स फॉर वीडियो ग्राफिक एरे कनेक्टर। दीज आर बेसिकली 15-pin कनेक्टर अवेलेबल इन मेनी वीडियो कार्ड्स, कंप्यूटर प्रोजेक्टर्स एक्सेट्रा। VGA कनेक्टर का जो फुल फॉर्म है वीडियो ग्राफिक एरे, है ना, VGA वीडियो ग्राफिक एरे याद रखना है। दीज आर बेसिकली ये 15-pin कनेक्टर थे, अवेलेबल होते हैं मेनी वीडियो कार्ड्स और कंप्यूटर प्रोजेक्टर्स में। इट इज यूज टू कनेक्ट मॉनिटर टू कंप्यूटर्स वीडियो कार्ड। इनका बेसिकली यूज किया जाता है किस लिए, मॉनिटर टू कंप्यूटर्स वीडियो कार्ड, कंप्यूटर के जो वीडियो कार्ड होते हैं उसको मॉनिटर से कनेक्ट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। इट इज 15-pin कनेक्टर, ये 15-pin के कनेक्टर होते हैं VGA जो है। दीज वेर इंट्रोड्यूस्ड बाय IBM इन 1987। VGA का जो इंट्रोड्यूस्ड हुआ था ये IBM के द्वारा हुआ था और 1987 में हुआ था। VGA बेसिकली यूटिलाइजेज एनालॉग सिग्नल, हेंस इट कैन ओनली बी यूज्ड टू लोअर रिजोल्यूशन। VGA क्या करता है, एनालॉग सिग्नल को यूटिलाइज करता है और इसका जो यूज होता है वो लोअर रिजोल्यूशन के जगह पे किया जाता है, और वी कैन से VGA इज ओनली कैपेबल ऑफ लोअरिंग द रिजोल्यूशन। ओके, मोर कंप्यूटर पोर्ट। ये जो टोटल पोर्ट थे ये इम्पॉर्टेंट पोर्ट थे, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो आपको पोर्ट के बारे में लिख देना है, और जो हमने पोर्ट बताया इम्पॉर्टेंट वो आपको लिख देना है। मोर कंप्यूटर पोर्ट, ये जो एक्स्ट्रा पोर्ट है जो आपके सिस्टम में लगे हुए होते हैं वो क्या है, दीज अबव आर सम ऑफ द कॉमन पोर्ट्स अवेलेबल इन कंप्यूटर सिस्टम। जो ऊपर थे वो सम इम्पॉर्टेंट पोर्ट्स हैं। एक्सेप्ट दीज देयर आर मेनी मोर पोर्ट्स अवेलेबल इन कंप्यूटर। इनको छोड़ के बहुत सारे पोर्ट हैं जो कि कंप्यूटर में होते हैं, जैसे मोडम पोर्ट। दीज आर बेसिकली यूज टू कनेक्ट PCs मोडम टू टेलीफोन नेटवर्क। देन ईथरनेट पोर्ट, दीज आर बेसिकली यूज टू कनेक्ट ईथरनेट केबल्स टू द कंप्यूटर। ईथरनेट केबल को कनेक्ट करने के लिए ईथरनेट पोर्ट का यूज होता है। आप लोग देखेंगे एक ईथरनेट पोर्ट आपके लैपटॉप में साइड में दिया हुआ होता है ना, आप उससे ईथरनेट केबल को क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। इन दिस डेटा में ट्रेवल विथ स्पीड ऑफ 10 MB/s टू 100 MB/s बेस्ड ऑन द नेटवर्क बैंडविड्थ। यस, आजकल तो 150 MBPS है ना, 500 MBPS का स्पीड आ रहा है। उसके बाद है गेम पोर्ट। These ports are available in computer to connect the joysticks which are now replaced by USB. Game port जो था वो joystick जो होता है game खेलने के लिए, उसके लिए यूज किया जाता था, पर उसमें भी अब USB port आता है। DVI port, digital video interface। देखिए यहाँ पे full form आपको याद रखना है, DVI का full form क्या है, digital video interface port।
और वी कैन से DVI पोर्ट, दीज आर बेसिकली यूज टू कनेक्ट फ्लैट पैनल LCD मॉनिटर टू कंप्यूटर्स हाई एंड वीडियो ग्राफिक्स। जो फ्लैट पैनल LCD मॉनिटर थे उनको कनेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। सॉकेट्स, सॉकेट्स तो आप सभी लोग जानते हैं, सॉकेट्स आपने देखे भी होंगे PC में अपने। सॉकेट्स आर बेसिकली यूज टू कनेक्ट माइक्रोफोन और स्पीकर टू द साउंड कार्ड ऑफ द कंप्यूटर। जो माइक्रोफोन या स्पीकर होते हैं उसको साउंड कार्ड से कनेक्ट करने के लिए सॉकेट का यूज किया जाता है। तो ये थे कुछ पोर्ट्स और कुछ उससे अधिक पोर्ट्स हम लोगों ने देखा, पोर्ट्स, फिर हम लोगों ने देखा कुछ इंपॉर्टेंट पोर्ट्स और कुछ ज़्यादा पोर्ट्स जो कि आपके PC में लगे हुए होते हैं। तो यहाँ पे हमारा पोर्ट्स ख़त्म हो गया और यहाँ पे हमारा बस स्टैंडर्ड एंड आर्किटेक्चर जो यूनिट था वो भी ख़त्म हो गया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, HDD डेट इज हार्ड डिस्क ड्राइव, और उसी यूनिट में हम लोग FDD भी पढ़ लेंगे डेट इज फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। तो आप लोग बने रहिए हमारे साथ, और ये जो सारा नोट्स है आपको नोट्स मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तो डिस्क्रिप्शन में जाइए और नोट्स को डाउनलोड कीजिए, निकाल के प्रिंट आउट उसको पढ़िए। और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कीजिए, डेट इज आप सर्च कीजिए टेलीग्राम पर फर्स्ट कोड YT, आपको जो फर्स्ट ऑप्शन दिखेगा चैनल का उसमें आपको ज्वाइन हो जाना है, तो आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता हुआ रहेगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।